कुरान चैप्टर 51 वर्सेस 37 टू 40 लेसन 3117 टाइटल इज डिसोबीडिएंट जनरेशंस चैप्टर ज़ारियात द विनोइंग माइंड्स आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिसेंट द मर्सीफुल And we left behind therein a portent for those who bear a painful doom. Verse 38 And in Moses, peace be upon him, too, there is a portent when we sent him unto Pharaoh with clear warrant. Verse 39 But he withdrew, confiding in his might, and said, A wizard. Are a madman. Verse 40 So we seized him and his hosts and flung them in the sea, for he was reprobate. Commentary It is commanded, We ruined that township, but saved its ruins, which exist till today, so that those people may learn a lesson by observing them. Who bear the painful doom, and so that they must not commit such wrong works due to which such calamities come. After that, there is an indication towards the story of Moses, peace be upon him. It is commanded in his, peace be upon him, story also. There are tokens of the divine power of Allah Almighty. We sent Moses, peace be upon him, to Pharaoh for warning that he must give up rebellion and be the slave of Allah Almighty. But he was very proud of his power and soldiers. He disregarded Moses, peace be upon him, and when he, peace be upon him, showed miracles, Pharaoh said, He is a magician, tripler, or a madman. Let us pray to God. Is there someone greater than me? That is Pharaoh. It is commanded. So we took him and his soldiers and cast all of them into the sea. He was blameworthy of transgression. We did not tyrannize him. He himself got ready on refractoriness. उर्दू में समाप्त फरमाइए फरमान है नाफरमान कौमें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم और बाकी रखा हमने उसमें निशानी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के हाल में निशानी है जब भेजा हमने उसे फिरौन के पास सनद देकर फिर उसने अपने जोर पर मुंह मोड़ लिया और बोला ये जादूगर है या दीवाना फिर हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा फिर उनको दरिया में फेंक दिया और इल्ज़ाम उसी पर था मलीम मलामत ज़दा इसम फ़ाइल है इलामत उनसे जिसका मादा लाम वाव मीम लोम और मलामत दोनों के मानी सरलंश करना बुरा कहना इलामत उनके मानी बुरा कहना झिड़कना भी है और काबिल मलामत काम करना भी यहाँ दूसरे मानी मुराद हैं मलीम काबिल मलामत जो ऐसा काम करे जिस पर उसे झिड़का जाए इरशाद है कि उस बस्ती को हमने तबाह कर दिया उसमें तबाही की निशानियां बाकी रखीं जो अब तक वहां मौजूद हैं ताकि उन्हें देखकर वो लोग इबरत पकड़ें जो दुख भरे अजाब से डरते हैं और ऐसा काम ना करें जिससे ऐसा अजाब आया करता है इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ इशारा है
इरशाद है कि उनके किस्से में भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां नजर आती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने फिरौन के समझाने के लिए भेजा कि सरकशी को छोड़ और अल्लाह सुबहाना व तआला का बंदा बनकर रहे, लेकिन उसे अपनी कुव्वत और लाओ लश्कर पर बड़ा घमंड था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से बेरुखी बरती और उन्होंने मौजे दिखाए तो कहा कि ये जादूगर है या फिर नाऊज़ बिल्ला उसकी अकल जाती रही और दिमाग में खलल है जो ये ऐसी बातें बताता है। क्या मुझ फिरौन से भी बड़ा कोई है? इरशाद है कि हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और दरिया में गर्क कर दिया। ज्यादती उसी की थी, हमने उस पर जुल्म नहीं किया, उसी ने सरकशी पर कमर बांधी। सदाकल्लाहु मौलानल अजीम व सदाका रसूलुहुन नबीउल उम्मीउल करीम।